السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إخوتي الأحبة الطلبة في هذه القناة العلمية التعليمية، وإني أرجو منكم الاشتراك معنا في هذه القناة، وأن تكونوا عونا لنا في هذا الخير، تؤجروا إن شاء الله سبحانه وتعالى. ये अलबेअसतुल मुहम्मदिया का आखिरी चैप्टर है। ثم إن آياتكم يا أهل الكتاب لو قيل لكم، फिर तुम्हारे लिए ये बात निशानी है, दलील है, ए अहल किताब, कि अगर तुमसे ये कहा जाए कि इन الرجل الذي يدعي العصمة، यही शख्स, ऊपर से बात चल रही है कि अगर तुम खाली जहन होकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात पर गौर करो तो भी तुम्हें हक की तौफीक मिल जाएगी। अगर ये कहा जाए कि यही शख्स الذي يدعي العصمة, जो के दावा करता है अल्लाह तबारक व तआला की हिफाजत का, कि उसके साथ अल्लाह तआला की इस्मत और तहफ्फुज़ है, वयंतहिल अलमनअता, और जो ज़ुम करता है इस बात का कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसको कुव्वत अता फरमाई है और उससे दिफा करने का वादा फरमाया है, अलमना कुव्वत दिफा को कहते हैं, कि अल्लाह ताला की हिफाजत और अल्लाह ताला का दिफा करना उसके साथ है जो इस बात का दावा करता है। यंतहिलु और यद्दई एक मायने में आता है, जो अल्लाह के तहफ्फुज का और अल्लाह के दिफा का जो शख्स दावा करता है कि अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाएगा, इस बात का उससे वादा किया गया है। अगर ये कहा जाए कि कद नजमतिल उमूर बिही अला मा काला, के उमूर जाहिर हो गए बिही उस शख्स के ताल्लुक से, उस शख्स के उमूर जाहिर हो गए अला मा काला, उसी जुम के मुताबिक जो उसने कहा था, उसके तमाम हालात आगे इसी तरह से नमूदार हुए और जुहूर पिजीर हुए जिस तरह से वो दावा कर रहा था। वसलिमतिल हालु लहू, और हालत उसके लिए मुसल्लम हो गई, हालत उसके लिए साफ हो गई, फीमत दा उसके दावे के मुताबिक, हत्ता नसब लइमारात अलअरब, यहां तक के फिर उन्होंने आगे चलकर ताकत हासिल कर ली और अरब के तमाम कबाइल के मुकाबले पर आ गए। नसब लहू नसब अलअदावत, अदावत कबूल करना, दुश्मनी चैलेंज करना, अरब के तमाम कबाइल के मुकाबले पर आ गए, जो उनका मुकाबला करने वाले हुए तो वो भी मुकाबले के लिए आ गए, जिन्होंने रोका उनको दीन की दावत देने से। वह जमातिल उमम, और मुख्तलिफ उम्मतों की जमातों के मुकाबले पर आ गए, जो कातिलो भी मन तावाहू मन खालफहू, और वो किताल करने लगे उन लोगों के साथ मिलकर जो आपकी इताअत करते, उन लोगों से जो आपकी मुखालफत करते, और जो आपका इत्तेबा करते उनके साथ मिलकर, जो आपसे हठधर्मी करते उनसे लड़ते। जादन मुशम्मिरन,
पूरी कोशिश और संजीदगी के साथ और नशात और कुव्वत के साथ। जादन मुशम्मिरन आप खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पूरी एक्टिविटी और संजीदगी और कोशिश के साथ। यंबगी अलैका अन तकूम बिअय्यि अम्रिन जादन मुशम्मिरन, कोई भी काम अंजाम दो पूरी जस्तजू ताकत और हिम्मत के साथ करो, संजीदगी के साथ। मुहतसिबन, और वो सवाब की उम्मीद रखते, अल्लाह के वादे पर भरोसा करते, उसकी नुसरत पर। ला ताखुज़ुहु फिल्लाहि लौमतु लाइम, उनको मलामत करने वाले की मलामत मुतासिर नहीं करती। फिर अब भी जो अल्लाह तबारक व तआला की जात के सिलसिले में उनको किसी भी बात पर मलामत करता। वला युखज़ु लदैही गमीज़तुन फी दीनिही, और कोई पकड़ नहीं सकता, पकड़ी नहीं जा सकती उनके यहां दीन के सिलसिले में कोई नक्स की कैफियत। गमीज़ा नक्स, कोई नक्स पर उंगली नहीं रख सकते उनके दीन में, कोई नक्स पकड़ नहीं सकते। लायुखज नहीं पकड़ा जा सकता उनकी जिंदगी में, लदैनी उनकी जिंदगी में गमीज़तुन कोई नक्स और कोई कमी, फी दीन ही दीन के ताल्लुक से, कि ये खयानत कर रहे हो, ये इबादत में कोताही कर रहे हो, जो कह रहे हो उसके मुताबिक अमल नहीं कर रहे हो। वला यल्फितुहु खिज़लानु खादिलिन अन हक़्क़िही, और किसी मदद छोड़ने वाले का मदद छोड़ना उनको हक से नहीं हटाता था। लफता अनहु हटाना, और लफता इलैही मुतवज्जे करना, शगलहु बिही की तरह से मुतवज्जे करना, और शगलहु अनहु हटाना, मदद छोड़ने वाले, खजा माने मदद छोड़ना, नसारा की जिद है, मदद छोड़ने वाले का मदद छोड़ना उनको नहीं हटाता उनके हक से। और आप बराबर दावत देते रहे, कोशिश करते रहे और दीन के लिए हर तरह की कुर्बानी देते रहे, यहां तक कि अल्लाह ताला ने आपके दीन को गलबा अता फरमाया, व अज़हरा तमकीनो, और आपकी कुव्वत को गालिब कर दिया, और तमाम ख्वाहिशात मुती हो गई आपके लिए, यानी लोगों की ख्वाहिशात मुती हो गई आपके सामने। वज्तमअतिल फिरकु अलैही, और तमाम जमातें आप पर मुत्तहिद हो गई, मतलब तस्लीम कर लिया, आप पर ईमान ले आई, अंसार मुहाजिरीन और उनके तमाम कबाइल। अलम यकुन ज़ालिका, तो क्या ये बात नहीं बढ़ाती है उनके हक को तुम्हारे दिल में यकीन के एतबार से, यानी उनके उनके हक पर यकीन में इजाफा नहीं करती है और उनकी दावत को और मजीद साबित नहीं करती है तुम्हारे नजदीक। हत्ता तकूल जमातु, के कह उठे तुम्हारे अकलमंदों की जमात, व अहलिल हुनकते, और अहले तजर्बे की जमात, या अहले तजर्बा कह उठे तुम्हारे अहले अक्ल में से, मा कान अर्रजुलु, के ये शख्स नहीं कर सकता, जबकि तनहा हो, यकता हो, थोड़ा हो, बेसर सामान और कमजोर हो, और बेयारो मददगार और बेहैसियत हो, और अक्ल में भी मारूफ हो, और फजलो शराफत की तरफ मंसूब हो, वो आदमी नहीं कर सकता के जुरअत करे अन यकूला, ये कहने की, माकान अली अफअला, यानी ये नहीं कर सकता, माकान अली अजतरी, यानी जुरअत नहीं कर सकता ऐसा शख्स जिसकी ये सिफात हो, ये कहने की कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने उसको वही की है, जो किताब उसको नाजिल फरमा कर दी है उसमें, के अल्लाह उसको महफूज रखेगा तमाम अरब से, वयमनअहु मिनल उममि तुर्रन, तुर्रन जमीअन के मायने में आता है, और अल्लाह ताला उनको बचाएगा तमाम कौमों से, यहां तक कि वो अपने रब के पैगाम पहुंचा देंगे और अपने रब का दीन जाहिर कर देंगे तमाम अदियान पर, और तमाम लोग फौज दर फौज उनके दीन में दाखिल हो जाएंगे। वो शख्स ये दावा नहीं कर सकता, ये कहने की जुरत नहीं कर सकता, इल्ला, मगर उसी वक्त जबकि उसको पूरा भरोसा हो, वो अला थिकतिन मिन अम्रिही,
अपने अम्र पर, अपने मामले पर, अपने दीन पर और अपनी हालत पर पूरा यकीन। आप भी कह सकते हैं, हल अंत अला सिकतिम मिन कौलिका, हल अंत अला सिकतिम मिन अम्रिका, क्या आपको अपने मामले पर पूरा भरोसा है। तो ये ताबीरात सीखना चाहिए, जो हम पढ़ें इबारत उसी से ताबीरात मिलती हैं। ये सबक है, इसके अंदर बड़ी बलागत है। आप सीरत पर अच्छी तकरीर इससे तैयार कर सकते हैं इंतखाब करके। आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबी व अला आलिही व असहाबी अजमाइन।